हेलो एवरीवन, वेलकम टू होममेड टेस्टी बाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम बिना अवन के बहुत ही हेल्दी मार्केट जैसे यानी कि बेकरी स्टाइल बिस्किट्स घर में बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही फ्रेंड्स टेस्टी हैं। आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं 3/4 कप ले रही हूँ बेसन और 3/4 कप मैदा और आधा कप ले रही हूँ सूजी। ये मोटी सूजी का इस्तेमाल किया है मैंने। आप चाहें तो तीनों की मात्रा बराबर भी ले सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ बेसन और मैदा में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए, इसके बाद हम लेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, ये मैंने घर में पिसी है, और आधा ही कप लेंगे हम घी। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सारे मेज़रमेंट इसी कप से लिए हैं। तो ये जो बाज़ार में घी आता है मैंने वो लिया है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर, एक चुटकी नमक लिया है, और गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ा पिस्ता लिया है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा पैन लेंगे और पैन में हम घी को डाल लेंगे। आप देखिए, घी का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा घी फ्रिज का जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए घी की। अब घी के अंदर हम डालेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी ली है मैंने, और अब हम इसको एक छोटे विस्कर से, हम बड़ा विस्कर यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे वाला छोटा विस्कर लेंगे, और छोटे विस्कर से हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे अच्छे से बीट करेंगे। तो हम इसको एक डायरेक्शन में इसलिए चलाएंगे ताकि इसमें एयर आ जाए और बहुत ही अच्छा हमारा बैटर बनकर ये तैयार हो। आप इस तरीके से एक डायरेक्शन में कम से कम 8 से 10 मिनट तक चलाते रहें और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको चला रहे हैं घी का टेक्सचर और कलर दोनों ही चेंज होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, येलो था पहले, तो धीरे धीरे हम इसको जब तक चलाएंगे जब तक ये वाइट होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही एरी और बहुत ही लाइट भी हो जाएगा ये। ये देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं मुझे। अब पूरे 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया और बिल्कुल लाइट भी हो गया। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, साथ ही नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें सूजी, क्योंकि सूजी मोटी है तो इसलिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमें मिक्स करते समय बहुत ही ध्यान रखना है कि इसको हमें बहुत ही सॉफ्टली इसको मिक्स करना है, बहुत टाइट हाथों से इसको मिक्स नहीं करना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा और साथ ही डालेंगे बेसन। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तीनों को बराबर भी ले सकते हैं। अब इसको धीरे धीरे करके हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैं स्पैचुला को छोड़ के देखिए हाथ से थोड़ा सा क्रम्बल करते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ। हमारा वैसे तो डो इसके अंदर, क्योंकि हमने घी का अच्छा इस्तेमाल किया है, इसी में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपका डो थोड़ा ज़्यादा ही सूखा है तो आप इसमें यहाँ रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 चम्मच दूध में आ लीजिए। लेकिन मेरा डो इस घी के अंदर ही बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अंदर से इसका टेक्स्चर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसको इकट्ठा ही किया है धीरे धीरे कर कर। ये देखिए, बहुत अच्छा डो बनकर तैयार हुआ है। अब 15 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। अब 15 मिनट के बाद देखिए हमारा थोड़ा सा सेट हो गया है। ये देखिए 15 मिनट बाद ये ऐसा मिलेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो घी हमारा जम गया है इसमें। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से आप हाथ में करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो गोला है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो घी है वो हमारे हाथ में आने के बाद थोड़ा सा मेल्ट होगा, और इस तरीके से आप गोला बनाते हुए बिस्किट की यानी कि कुकी की शेप दे लीजिए, और बीच में ऐसे थोड़ा सा दबा के फिंगर से आप इसमें गार्निश करने के लिए, देखिए सजाने के लिए थोड़ा सा पिस्ता डाल लीजिए, और एक बार दोबारा से दोनों हाथों से ऐसे प्रेस कर दीजिए। और आप चाहें तो थोड़ा सा फोक से कोई भी शेप देकर भी आप इसको डिज़ाइन में बना सकते हैं, ये भी बड़े सुंदर लगते हैं। अगर आपके पास कोई छलनी है ऐसी, ये हमारे सबके पास होती है घरों में, आप इससे भी बहुत ही अच्छा सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो है ना, बहुत अच्छा आसान डिज़ाइन बनाने। तो आप किसी भी डिज़ाइन में इन कुकीज़ को बना कर तैयार कर लीजिए। तो मैं सारे कुकीज़ को ऐसे ही बना के तैयार करूँगी। अब हम अपना अवन तैयार करते हैं। तो ये मैं इडली स्टैंड ले रही हूँ और ये मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो इस नमक को मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ अवन बनाने के लिए, इसीलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। हम इवनली फैला देंगे
और बिल्कुल मीडियम हीट पर हम इसको गर्म करेंगे। तो अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इस तरीके से भी ओवन बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए ऐसे प्लेट के अंदर बिस्किट रखिए और पका लीजिए। तो मैं इस सांचे का इस्तेमाल करूँगी और सांचे रखते समय देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हमें रखना है इस तरीके से। तो आइए 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर अपना ओवन गर्म करना शुरू करते हैं। अब ढक्कन लगा देती हूँ, फ्लेम को मैं बिल्कुल मीडियम रखूँगी और इसको गर्म करेंगे। तब तक हम इडली स्टैंड तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बटर लगा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा लगाना है क्योंकि कुकीज़ में ऑलरेडी हमने बहुत सारा देसी घी डाला हुआ है तो वो चिपकेंगे नहीं, पर थोड़ा सा लगा लेते हैं। और ये लीजिए हमारी कुकीज़ भी सारी बनकर शेप में तैयार हो गई हैं। अब हम इनको इडली स्टैंड के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बनकर बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। जैसे आप मार्केट से बेकरी वाली कुकीज़ लाते हैं, बिस्किट्स लाते हैं, ये खाने में बिल्कुल वैसी बनती हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो ये लीजिए मैंने सारे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हमारा ओवन जो हमने बनाकर तैयार किया है देखिए गर्म हो गया है। आप देख रहे हैं कितना गर्म है अंदर नमक। अब इसको इस तरीके से अब अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि इवनली हमारी कुकीज़ बेक हो सके। और अब हम इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर 12 मिनट के लिए पकाएंगे सिर्फ। ये देखिए मैंने 12 मिनट के बाद खोला है तो नीचे वाले थोड़े ज़्यादा पक गए हैं क्योंकि नीचे हीट ज़्यादा लगी है और ऊपर थोड़े से कलर लाइट आया है। आप 10 मिनट में इनको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। इस नमक को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये लीजिए हमारी कुकीज़ बहुत ही टेस्टी बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई हैं। लग रही हैं ना देखने में ही कितनी यम्मी, खाने में फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी भी हैं और बहुत ही टेस्टी भी हैं। तो अभी ये बहुत गर्म है इसलिए अभी हम इनको टच नहीं करेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इनको एक छलनी के ऊपर निकालेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, कितना बढ़िया कलर आया है आप देख सकते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट के ऊपर दूध के ऊपर छलनी जो ढके हैं हम उसी को मैंने रख लिया है और इसके ऊपर मैं इनको निकाल लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह ठंडे हो जाएं और जो नीचे से भी रह गए हैं जो वो ठंडे हो जाएं, क्योंकि नीचे से क्या होता है नहीं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगे और छलनी पर रखने से हवा लगने से बराबर इवनली ठंडे होकर बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कुकीज़ कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं, कितना सुंदर कलर है इनका। तो है ना बनाना बहुत ही आसान और वो भी बिना ओवन के हमने झटपट 15 मिनट में कुकीज़ बनाकर तैयार कर ली हैं। और आप इनका मज़ा लीजिए गरम गरम चाय के साथ, बच्चों को भी दीजिए क्योंकि ये खाने में बहुत ही हेल्दी हैं। मैं आपको एक कुकी को देखिए तोड़कर दिखाती हूँ, इसका अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। जैसा आप बाज़ार से लेकर आते हैं बेकरी से कुकीज़, इसका टेक्सचर अंदर से बिल्कुल उतना ही सॉफ्ट और यमी है। ये देखिए लग रही है ना बहुत ही यमी। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कुकीज़ कैसी बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इसे सिर्फ आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अब मेरा चैनल पर आने के लिए थैंक यू।